अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह तो एक वर्ग है जिसकी गरीबी दूर करनी ही है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है जो कि रात दिन हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मजदूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, रात दिन संघर्ष करता है, लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 200 रुपए महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मजदूर के साथ ही वह दूसरा मजदूर भी है जिसे एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी 2 रुपए भी नसीब नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। बड़ी ऊंची आवाज में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी धन दौलत है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक है और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। यह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का। यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज दिखाई देती है और कई लोग बीड़ी की जब बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। यह महत्व इसलिए है कि इसमें मजदूरों के रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा हैं। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं और एक बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 लोगों के हिसाब से लगभग 90 लाख लोगों का यह सवाल है। इस उद्योग में जो वेतन निर्धारित किया गया है वह बहुत ही कम है, इसलिए मंत्री महोदय इस ओर गंभीरता से विचार करें।